हे गाइस बैक टू द चैनल। सो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? बेसिकली प्रॉब्लम कुछ नहीं, आज इस वीडियो में हम इसका जो शॉकर ऑयल है सामने का वो हम चेंज करेंगे, किस तरह से प्रोसीड हो रहा है। और इस बाइक में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है क्योंकि वहाँ पे देख सकते हैं मेरा बॉक्सर बाइक, उसमें कोई ट्रिकी पार्ट नहीं है खोलने के लिए, बट इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। वो ट्रिकी पार्ट हम दिखा देते हैं, कौन सा टूल हम यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली एक 8 mm का जो है, आपको देख सकते हैं 8 mm का टी रेंच, और यहाँ पर जो है 10-12 रिंग रेंच, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं उस 19 नंबर का नट, फिर से लगेगा। सो हम किस तरह से दिखा देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है मड गार्ड है उसको हम निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए देख सकते हैं 8 mm का बोल्ड आता है, तो इसलिए हम 8 mm का रेंज यूज़ कर टी रेंज यूज़ कर रहे हैं। मड गार्ड खोलने के पहले आप व्हील खोल लीजिए। सो व्हील खोलने के लिए आपको देख सकते हैं 19 नंबर का रिंग रेंच हम इसको, क्योंकि मैं रिंग रेंज यूज़ कर रहा हूँ, आप कोटी रंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो लीवर है इसको लूज़ करेंगे। और दिस इज द एक्सल, और ये आपका व्हील है, बाहर निकल चुका है। अब इस ड्रम को अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको साइड में रखते हैं। अब सेकेंड पार्ट पे मडगार्ड को रिप्लेस कर, मतलब रिमूव करना है। इसीलिए 8 mm का टी रेंज हम यूज़ कर रहे हैं, और ये आपका मडगार्ड निकल सकते हैं। इस तरह का रबर और एक रिंग टाइप का आता है, इसका अंदर जो स्क्रू टाइट होता है इसको, इसमें 4 हैं और 4 रबर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बोले आपका 12 mm का नट खोलना पड़ेगा। अब इसको खोलना पड़ेगा, और इसको पूरी तरह से खोलना नहीं है, वो ट्रिकी पार्ट हम इस वीडियो में बताएंगे। और दिस इज द 12 mm बोल्ट नट, और यहाँ पे एक वॉशर आता है स्टील का, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक करके मैं दिखा दे रहा हूँ। सो इसको ऊपर का हमने खोल लिया है, अब इसको निकालने के लिए ये वाला जो होल्डर है, अब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है, इतनी लेंथ में आपको रुक देना है, ठीक है, क्योंकि अब इसको टाइट कर देना है। ये जो नट है देख सकते हैं, क्योंकि ये होल्ड हो जाए, इसको हम खोलेंगे, स्पेशल नट आता है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया मतलब नहीं लिया है तो गिव अवे चल रहा है, पिछले वीडियो देखिए और पार्ट ले लीजिए। होल्ड किया है, अब इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, टाइट हो गया, अब इसको खोलना पड़ेगा। हमने खोल लिया है, लूज करना पड़ेगा, और इसको हम पूरी तरह से बाहर निकल लेते हैं। और ये आपका एक शॉकर बाहर निकल चुका है, और दूसरी मैं भी सेम प्रोसीजर करना है, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब दूसरा शॉकर भी बाहर निकल चुका है। सो कैसे असेंबल करते हैं इसको, पहले इसको नट को खोलना पड़ेगा, हमने लूज कर लिया है, पहले दो नट खोलते हैं। पहले दो नट हम खोलते हैं, फिर जो स्प्रिंग वगैरह है उसको हम प्रॉपर कंप्लीट वीडियो दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए। इसको हम खोलते हैं, और इसके ऊपर स्प्रिंग आता है, देखें स्प्रिंग बाहर निकल आ रहा है। और ये आपका जो शॉकर है वो बाहर निकल चुका है, और इसके ऊपर देख सकते हैं वॉशर आता है और ये लॉक नट, और इसके ऊपर एक स्पेसर आता है, जैसे स्पेसर, ठीक है, इसको आपको संभाल के रखना है। और ये आपका स्प्रिंग जो है निकल आएगा, स्प्रिंग के ऊपर देख सकते हैं वॉशर आता है स्प्रिंग के ऊपर, तो इस वॉशर को ध्यान में रखना है, और ये स्प्रिंग जो है स्प्रिंग को बाहर निकल रहे हैं। ऑयल जो है बिल्कुल गंदा हो चुका है, देख सकते हैं ये जो ज़्यादा घने वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा, और जो घने वाला हिस्सा ज़्यादा नहीं है वो ऊपर की तरफ रहेगा। इस ऑयल को हम चेंज करते हैं, स्प्रिंग को रखते हैं, देख सकते हैं ऑयल जो बिल्कुल काला हो चुका है।
और इस तरीके से ऑयल को जो है आपको रख देना है। सो मैं ऑयल को रख देता हूँ। सो सेकंड जो सॉकर है उसकी तरफ चलते हैं, वो कैसे होता है वो भी हम दिखाते हैं। सो दिस इज सेकंड सॉकर, इसको भी हम खोलते हैं। दिस इज स्पेसर और इसके ऊपर एक वॉशर आता है, सो इसको थोड़ा सा और प्रेस करना है। और दिस इज वॉशर और दिस इज स्प्रिंग। बिल्कुल काला हो चुका है। सिंपली इसको पेट्रोल से वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद हम वॉश वॉश कर लेते हैं, फिर हमको असेंबल दिखाएंगे। ऐसे उल्टा करके, सिंपली इसको उल्टा करके रख देना है। इसको हमने प्रॉपर से क्लीन कर लिया पेट्रोल से केरोसिन से। और अगेन जो सेकंड चीज़ आपको चेक करना है नीचे दिखाना, वो ये डस्ट सील का आपको ओपन करना है। और यहाँ पे जी जो कि हम दिखाई दे रहा है, हमें कोई भी पार्टिकल नहीं, बिल्कुल इस कंडीशन में बिल्कुल सही है। तो इसलिए डस्ट कवर को हम सिंपली लगा देंगे। हमने क्लीन कर लिया है। अब असेंबल करने के लिए इसमें स्प्रिंग जो है, जो घने वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा। सो दिस इज़ द घना हिस्सा और इस यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। सो इसमें जस्ट डायरेक्ट आपको फिटिंग कर देना है। ओके, अब इसको आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेना है। ओके, इसके ऊपर एक वॉशर आता है, ये वाला वॉशर। और इसके ऊपर एक स्पेसर आता है, स्पेसर, ठीक है। इसको हमने प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लिया है अच्छे तरीके से। स्पेसर हमने डाल दिया, देख सकते हैं। और इसके ऊपर ऑयल फिल करेंगे, तो हम यूज़ कर रहे हैं कैस्ट्रोल का ऑयल, जो कि 20W पे लिखा है। और इसका प्राइस है, मैंने उसको फाड़ा है क्योंकि इसमें 350 ml आता है। सो पहले मैंने 50 ml इससे डिडक्ट कर लिया है। और जितना भी ऑयल बचा था, हमने लाइट मार के देख लिया यहाँ पे ऑयल था, और उसको हमने ट्रिपल आधा मार्क निशान कर लिया है। और जो आधा था वो हमने एक और डब्बे में खाली कर लिया, सो कि हमने 150 ml अलग कर लिया है। सो एक सॉकर में आपको 150 ml ऑयल रहेगा। सो यहाँ पर मैं ऑयल डाल देता हूँ। अगर अंदर बवाल रह जाता है सो हम वो अब निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, सिंपल अब इस तरीके से करना है। आज 5-6 बार आपको इस तरीके से करना है, जो कि अंदर का जो भी बवाल है वो निकल जाएगा। जो स्पेसर है डाल दीजिए। अब जो कि लॉक नट है वो हम लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हो एक वॉशर आता है, इसको टाइट करने से पहले एक बार 2-3 बार स्पेसर कर लीजिए, देख लीजिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले सॉकर का कंप्लीट एयर निकल चुका है, हमने पंपिंग कर रहा है। यहाँ पे स्पष्ट स्पष्ट करके साउंड आ रहा है। जब साउंड बंद हो जाएगा मतलब समझेगा कि आपका मतलब इसमें लिक्विड से एयर निकल चुका है और ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। सो सेकंड जो सॉकर उसको हम रिपेयर करते हैं। तो दिस इज द सेकेंड सॉकर, इसको हमने प्रॉपर क्लीन कर लिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्प्रिंग डालना है। और अगेन जो घने वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बारीक वाला हिस्सा है, यहाँ पे ज़्यादा है, सो ये ऊपर की तरफ रहेगा। अब इसके ऊपर एक वॉशर, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है। अब इसके ऊपर एक स्पेसर आता है, स्पेसर लगाने से पहले हम ऑयल डाल देते हैं। और ये वही कंपनी का यूज़ है, बट हमने अलग से डब्बे में रखा है, गलत मत समझिएगा। सो दिस इज द 150 ml प्रॉपर। पहले प्रोसीड्योर था, इसको थोड़ा सा प्रेस करना है क्योंकि इसमें स्प्रिंग रहता है। थोड़ा सा प्रेस करेंगे और घुमा देंगे, और प्रेस कर दिया है, हमें घुमा देंगे इस तरह से। हमने टाइट नहीं किया है, हमें थोड़ा सा गैपिंग छोड़ा है यहाँ पे। अब इसको पंपिंग करेंगे। यहाँ पे फस फस का साउंड है, मतलब आपका एयर निकल रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ, जितना हो सके आपको हाथ से टाइट कर देना है। मडगार्ड हमने लगा दिया है, और ये जो बोल्ट है सारे हमने कस दिए। ड्रम है, इसके अंदर से वाला वायर ले लीजिए, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसके अंदर जाए, ठीक है। अब ये जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से लगाना पड़ेगा। अभी हो गया, अब इसको जस्ट
प्रेस करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो एक्सेल को ग्रीसिंग कर सकते हो, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ग्रीसिंग कर देता हूँ, इसमें इसे रस्ट नहीं पकड़ेगा। अब इससे कैसे लगाना है देखिए, अभी हुई जो लग चुका है, हम ये वाला नट लगा देते हैं, 19 नंबर का नट होता है। सो यही था वीडियो दोस्तों, हमने सॉकर वाला पूरी तरह से चेंज कर लिया है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी भी आपने गिव अवे में पार्ट नहीं लिया है, सो पिछले वीडियो में मैंने गिव अवे किया था 1000 सब्सक्राइबर स्पेशल, उसमें पार्ट ले लीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बहुत मैं थक चुका हूँ। सो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।